लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय टीम की ऐसी हार हुई है जिसे टीम इंडिया के फैंस जल्द ही भूलना चाहेंगे, मगर रिकॉर्ड बुक भारतीयों को यह हार भूलने नहीं देगी। इस हार में कई ऐसे रिकॉर्ड बन गए जो बेहद शर्मनाक हैं। पिछले 44 सालों का शर्मनाक रिकॉर्ड भी इसी हार की वजह से टूट गया। हम आपको दिखाते हैं वो कौन से शर्मनाक रिकॉर्ड हैं जिसने हम सभी भारतीयों को नीचा दिखा दिया। पहला शर्मनाक रिकॉर्ड यह है कि टीम इंडिया पहली बार विराट कोहली की कप्तानी में पारी से हारी है। इससे पहले कभी भी विराट की कप्तानी में टीम इंडिया को पारी की हार का सामना करना नहीं पड़ा था। भारत पिछले 14 सालों में पहली बार पारी की हार झेल रहा है। इससे पहले 2004 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ ही ओवल में पारी की हार खाई थी। टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में अपने घटिया प्रदर्शन के 44 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लॉर्ड्स के मैदान में इससे बुरी हार भारत को आज से 44 साल पहले मिली थी, लेकिन अब भारतीय टीम ने उस हार को भी पीछे छोड़ दिया है। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के धुरंधर बल्लेबाजों ने सिर्फ 494 बॉल खेली और इससे कम बॉल भारत ने अब तक के इतिहास में सिर्फ 4 बार खेली है। इस टेस्ट मैच में कुल 1023 बॉल फेंकी गई और इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में ये तीसरा सबसे छोटा मैच रहा। भारत ने गेंदबाजी करते हुए हर विकेट के लिए करीब 57 रन लुटाए, जबकि बल्लेबाजी करते हुए हर विकेट पर सिर्फ 12 रन ही जोड़ पाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के टेस्ट इतिहास की 10 सबसे शर्मनाक हारों में से ये एक है। दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम का इस तरह शर्मनाक तरीके से हारना बेहद चुभता है, क्योंकि लड़कर हारते तो दुख नहीं होता, मगर जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया, अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए, वो शर्मनाक है, बेहद निराश करने वाला है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।